खाद्य तेलों के अंदर फिलहाल प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है लेकिन एक ऐसा खाद्य तेल सोयाबीन जिसने सबको अपनी ओर आकर्षित किया है एक बार फिर से सोयाबीन की कीमतें तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि रिफाइंड सोयाबीन ऑयल ऊपरी स्तरों पर फिसलता दिखाई दिया है यानी कि एक सीमित दायरे में कारोबार लेकिन सोयाबीन ने रिकॉर्ड तोड़ एक बार फिर से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है पांच हजार से लेकर पचपन सौ के घरों में कारोबार करने वाला सोयाबीन अब बासठ सौ के ऊपर अपनी सस्टेनेबिलिटी दिखाता नजर आ रहा है नवंबर वायदा में सवा एक की तेजी जबकि दिसंबर वायदा में हल्के हरा निशान देखने को मिल रहा है लेकिन अभी भी उम्मीद यही की जा रही है कि सोयाबीन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है ये कॉमोडिटी पहले सुस्त होती दिखाई दी थी लेकिन एक बार फिर से इसके अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है पिछले अगर सात से आठ की बात करें तो सोयाबीन में लगातार तेजी आई है इसके भाव लगभग से पंद्रह फीसद मंडियों में सोयाबीन की नई आवक काफी कम हो रही है भाव कम मिलने से किसान माल नहीं बेच रहे वहीं सोया मिल सेक्टर से मजबूत डिमांड से भी इसकी कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है अक्टूबर में ग्लोबल वेज ऑयल प्राइस इंडेक्स 9.6% फीसद तक बढ़ चुका है जबकि मजबूत डिमांड तंग सप्लाई से कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है इस साल मंडियों में शादी इस साल देखा जाए तो भारत में शादियों में मजबूत डिमांड की उम्मीद है यूएस में फसल हल्की कमजोर होने का अनुमान है साथ ही ब्राजील अर्जेंटीना में भी उत्पादन घटने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। वहीं मलेशिया इंडोनेशिया में सीपीओ के भाव बढ़ने से भी सोयाबीन को सपोर्ट मिला है तो यानी अगर देखा जाए तो सोयाबीन की कीमतें फंडामेंटली काफी सपोर्टिव नजर आ रही हैं। वहीं अगर वायदा की बात करें यानी एनसीडीएक्स पर सोयाबीन के रिटर्न पर नजर डालें तो एक हफ्ते में इसने तेरह फीसद का पॉजिटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दे दिया है जबकि एक महीने में बारह फीसद तो एक साल में पैंतीस फीसद तक का पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल दिया है वहीं सोया ऑयल के रिटर्न पर नजर डालें तो उसमें भी एक हफ्ते में एक फीसद का रिटर्न आया है जबकि महीने महीने में 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 का का तो नेगेटिव रिटर्न सोया ऑयल आता दिखाई दिया है हालांकि इसने बारह महीनों में सत्रह फीसद तक का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है तो देखा जाए तो जिन्होंने सोयाबीन में और सोया ऑयल में निवेश किया था तो उनको एक महीने के दरम्यान अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है और अब जो मंडियों में स्थिति बनती नजर आ रही है फार्मर्स को उम्मीद है कि सोयाबीन एक बार फिर से उन्हीं स्तरों पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जिसके चलते इन लेवल्स के ऊपर वो माल नहीं निकाल रहे यानी मंडियों में सप्लाई तंग होती नजर आ रही है लेकिन जो व्यापारी हैं जो स्टॉकिस्ट हैं वो डिमांड करते नजर आ रहे हैं और उस वजह से कीमतों को दब, दोहरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कीमतें एक बार फिर से तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से सोयाबीन के अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है जो उम्मीद की जा रही थी कि सोयाबीन फिलहाल अः पांच से पचपन के घरों में ही कारोबार करती दिखाई देगी उसमें फिलहाल अब तेजी anti-weak. नजर आ रही है वही यूएस के एग्री डिपार्टमेंट ने जो यूएस का उत्पादन है उसको भी घटाने के लिए कहा है और उनका उत्पादन का अनुमान आ रहा है टन टन से घटकर यानी मामूली सी प्रोडक्शन में उन्होंने भी अपनी गिरावट दिखाई है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ब्राजील और अर्जेंटीना में भी उत्पादन के घटने का अनुमान निकल कर आ चुका है तो भारत में वैसे ही प्रोडक्शन में कमी बताई जा रही है फसलें खराब हो चुकी है तो सारे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे सिनेरियो ऐसे बनते नजर आ रहे हैं एक बार फिर से कि सोयाबीन की कीमतों में बूम आना तय है तो इसीलिए माना जा रहा है कि सोयाबीन की कीमतें अब आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न देती हुई नजर आ सकती हैं क्योंकि मंडियों में आवक कम है सोयामील की मजबूत एक्सपोर्ट डिमांड है तो ये सारे फैक्टर इनको मजबूती देते हुए नजर आ सकते हैं तो ऐसे में सोयाबीन में निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है